ममता के समर्थक गुस्से में बताए जा रहे हैं। बीती रात कोलकाता और बंगाल के कई अन्य हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से। नंदीग्राम में ममता पर कथित रूप से हमला हुआ, इसका साइड इफेक्ट आगजनी और नारेबाजी के रूप में दिखा। टीएमसी समर्थक अपने नेता पर कथित हमले को लेकर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और हमले के खिलाफ आवाज उठाई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी टीएमसी समर्थकों का गुस्सा फूटा। मिदनापुर में आगजनी शुरू हो गई। सड़क पर उतरे समर्थकों में गुस्सा था। ईस्ट मिदनापुर के चांदीपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती ने खुद विरोध मार्च का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ममता पर हुए हमले के विरोध में हावड़ा में तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। बांकुरा के विष्णुपुर इलाके में बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला और ममता पर हमले की निंदा की। विष्णुपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अर्चिता बीद ने नंदीग्राम में ममता पर हमले का आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगा दिया। বাংলার প্রতি বাংলার নেত্রী বাংলার সকলের জনগণ মন অধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য যে আক্রমণ করা হয়েছে তার জন্য আমরা এখানে বসে প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু নেত্রী আমাদেরকে শিখিয়েছে যে মানুষ যেন আমাদের কোনো কিছুর জন্য নাকাল না হয়, তার জন্য আমরা এখান থেকে এখন উঠছি, কিন্তু আমরা এর আরো বেশি বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো যতক্ষণ না দোষীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। টিএমসি সমর্থকোনে কুছ জগহো পর ট্রাফিক রোক দি। उत्तरी 24 परगना में तो पार्टी का झंडा लिए समर्थक सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। ममता पर हमले का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आसनसोल से अनिल गिरी और हावड़ा से सुमन अदक के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।